मध्य प्रदेश के सीधी में भयंकर सड़क हादसा हुआ है। सीधी से सतना की ओर जा रही बस नहर में गिर गई। बस में तकरीबन 50 लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर नर्सिंग के स्टूडेंट्स थे। इस हादसे में अब तक नहर में से 38 शवों को निकाला जा चुका है और फिलहाल एनडीआरएफ एसडीआरएफ समेत कई टीमें अभी भी नहर में से लोगों को निकालने में जुटी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने से आ रही बुलेरो गाड़ी को साइड देने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। बात करीब सुबह 7:30 बजे की है, जब बेकाबू बस नहर में गिर पड़ी। हादसे में मरने वाले में ज्यादातर नर्सिंग के छात्र छात्राएं हैं। हादसे के तुरंत बाद 7 लोग तो तैरकर बाहर आ गए थे, लेकिन बाकी लोग फंसे रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए बाण सागर डैम में से निकलने वाले पानी को बंद कराया गया है और नहर में पानी का लेवल भी कम कर दिया गया है, ताकि लोगों को खोजने में आसानी हो। सीधी हादसे पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। न्यूज डेस्क।